बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ बामुकाबला तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़े बुहरान से गुज़र रही है और दो चार हुआ चाहती है। मेरा मतलब उसका वो सियासी बुहरान नहीं जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई की कैफियत है उससे जन्म ले रहा है, बल्कि ये तहरीक इंसाफ बामुकाबला तहरीक इंसाफ ये उनकी अपनी अंदरूनी खलकशार है या अंदरूनी इंतशार है, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो या तो एक कच्चे धागे से बंधे हुई की तरह एक तंजीम चलेगी या तंजीम तितर बितर हो जाएगी। अच्छा, इसकी वजूहात तो बंदा क्या कहे या क्या ना कहे और कुछ एक आध मरूशी डालूँगा, लेकिन अमलन सूरत हाल यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग जो आपस में दस्तो गरबा हैं, बज़ाहिर जो 5-7 बंदे सामने आए हैं कि यकदम इंकशाफ हुआ इलेक्शन से मेरा ख्याल में चंद हफ्ते पहले कि जी चेयरमैन का ओहदा जो है एक शख्स जो है बैरिस्टर गौहर खान को दे दिया गया है। ये ऐसा नाम था जैसे तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर कोई लीडर जो कि 2 साल पहले के भी जो वर्कर लीडर थे वो इनके नाम से मुतारफ नहीं थे, मानूस होना देख देगा किसी को इनका कोई पता नहीं था ये कहाँ से आए और कैसे बना दिए गए। एक तो मैं ये बताऊंगा आपको साइंस की ये क्या वजह थी कि ये गौहर साहब जो है इस तरह आए आराम से आके केक वॉक की तरह बिल्कुल खरामा तरीके से आपने कंट्रोल में ले ली। फिर अचानक पता चला कि एक और लीडर भी हैं, उनका नाम है शेर अफजल मरवत, और ये भी आप साल डेढ़ में लगता तो ये है ना कि जैसे 15-20 साल से हम इनको देख रहे हैं, साल डेढ़ से में चंद महीने पहले अफानुल्ला साहब के साथ सेनेटर साहब के साथ इनकी हाथापाई हुई और शोहरत की बुलंदियों को छू बैठे और तहरीक इंसाफ के अंदर गरज बरस कर अपने आप को उसका करता धरता जाहिर किया और गौहर खान के साथ कंधे से कंधा जोड़े खड़े थे और लगता था कि ऐसे चेयरमैनशिप गौहर साहब को खान को नहीं मिली, इनको मिली है। और साथ ही शुएब शाहीन साहब ये भी पिछले साल 2 साल के अंदर तहरीक इंसाफ से मुतारफ हुए, तकरीबन ऐसे समझें कि कमोबेश 2022 में जब इमरान खान साहब इक्तदार से अलहदे हुए तो ये उसके कई महीनों बाद ये इस तरह के कैरेक्टर था। अच्छा, फिर सैयद अली जफर, ये मेरा ख्याल में 2021 के सेनेट के इलेक्शन से कोई 1-2 महीने पहले अचानक एक्टिव हो गया, उससे पहले थोड़े थोड़े कोई वकील थे, वकील के नाते से सुना कि इनको क्योंकि केसेस कर रहे हैं और शायद या मुआवजा नहीं ले रहे हैं या ले रहे हैं तो इनको सेनेटर बना दिया गया। अच्छा, मैं इस पर बाद में तबसरा करता हूँ। 7 और भी कोई आ गए नाम ऐसे कि जिनको मेरा ख्याल में शायद सियासत के हवाले से उनके घर वाले भी नहीं पहचानते होंगे। कुछ ऐसे हैं जो तहरीक इंसाफ में कई 2-4-5-7 साल से सफ़ों में घुसे होंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तो उमर अयूब साहब जो हैं 2018 से पहले तक मुस्लिम नून के साथ वापस्ता थे, वहाँ से जब प्रेशर बढ़े तो हो सकता है उन्होंने उस वक्त छोड़ दियो और फिर 2018 में तहरीक इंसाफ का टिकट लेके उसमें आगे आ गए और उसमें इलेक्ट होके आ गए और वहाँ पे भी जो है नुमाया के सामने सफ़ों में। याद है कि जनरल मोहम्मद अयूब खान के ये साहबजादे हैं और इनकी फैमिली में इनके नानकों दादकों में और भी कई जनरल हैं। अयूब खान साहब इनको ऐसी इनके घर के अंदर DNA तब्दील कर गए हैं, कई बड़े आसूदा हाल होते हैं। जनरल बाजवा साहब ने ही इनको मुतारफ़ कराया हो। अच्छा, ये सारे करेक्टर जो हैं इनके बारे में हतमी कहा जाता है कि ये लोग जो हैं इनकी जो लॉयल्टीज़ हैं या इनकी जो वफादारी हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, वो आजमाई हुई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खुदा ना खासा कोई जो है साजिश का घुसेड़ दिए गए या इमरान खान साहब के जो है वो सफ़ों में घुसेड़ दिए गए, नहीं, अभी किसी आजमाइश से नहीं गुजरे, ये ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। और इस तेज़ी से इनको ये सारे कैरेक्टर जो अली जफर साहब या गौहर साहब या शेर अफजल साहब या उमर अयूब साहब और चंद और भी इतनी तेज़ी और जल्दी आए कि ये पुराने जितने बंदे थे वो किस्सा पारी ना हो चुके हैं, चाहे वो बाहर अहमद हामिद खान जैसे बंदे जो कि तहरीक इंसाफ के साथ 8-9 साल इमरान खान साहब के बाद सीनियर वाइस चेयरमैन थे
शाह महमूद कुरैशी से पहले जब इलेक्शन तरीके साहब नहीं हुए थे, नॉमिनेटेड थे, और ये वाहे थे जो उस वक्त को आज कुछ मेरा ख्याल है कुछ 97, 98 में इलेक्शन हुए थे तरीके साहब के, तब ये इलेक्ट हो गए थे। एक यहाँ पे प्रिंस शादी हाल है उसके अंदर ये इलेक्शन हुए, अभी तक याद है दोपहर को। तो बहरहाल नामवर हामिद खान की मौजूदगी में ये सारे नाम कोई गौर साहब आ गए। गौर साहब को बनाया गया, क्यों बनाया गया, मैं अपने पहले व्लॉग में बता चुका हूँ, आज फिर दोबारा दोहराऊंगा। लेकिन इससे दिलचस्प बात यह है, यकम या 2 फरवरी को अचानक तरीके साहब ने ऐलान किया इलेक्शन से 3-4 दिन पहले, यानी कि 5 फरवरी को पार्टी इलेक्शन होंगे, और बोरेली खान का तख्त उलटने की कोशिश की गई। फिर उसी तरह इतला आई कि आज इलेक्शन नहीं हो रहे 5 फरवरी को, इमरान खान साहब ने कहा कि ये इलेक्शन आप रोक दिया उन्होंने, और फिर वो ये चीज़ें सर उठा चुकी हैं और 3 मार्च को दोबारा इलेक्शन कराए जा रहे हैं, जिसके अंदर गौरअली खान की बजाय सैयद अली जफर साहब को शायद पार्टी चेयरमैन बनाने का की बात हुई है, जो कि लीक हुई है। तो उन बकौल उनके कि लीक हुई है, अभी तक ये बात जो है जेल के अंदर महदूद थी। ज़ाहिर है जेल के अंदर तो खैर कोई बात भी हो तो वो पब्लिक ही होती है, क्योंकि वो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। तो वो जब बाहर आई तो एक नया झगड़ा शुरू हो गया। शेर अफजल मरवत ने कहा जी गौहर अली खान तो है ही न लायक, और जब सैयद अली जफर खुद नहीं बनना चाहते और उनको इसमें हिचकिचाहट है, जो कि सच हिचकिचाहट नहीं थी, वो जैसे उनके भैया बहुत ही शरीफ आदमी हैं, बहुत भले मानस हैं, बात बड़ी खूबसूरत सलीके से करते हैं, केसेस लड़ते हैं इतनी यकीन और दिलो जान से, और उनका एक अपना एक मुकाम है। तो और वो बड़े मुफामती किस्म के हैं, वो कभी झगड़ा करने वाले है ही नहीं, वो तो किसी से ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं बनना चाहते तो हो सकता है कि, यानी कि वो उनको डिसमिस कर रहे थे, और मुझे लगा ये कि जैसे उनका ख्वाहिश हो कि मुझे भी बनाया जाए, मुझे क्यों नहीं बना रहे। शुएब शाहीन को गद्दार कह चुके हैं, रऊफ हसन को शेर अफजल मरवत गद्दार कह चुके हैं। अब मेरे नज़दीक ये जितने लोगों के मैं नाम लिए हैं, रऊफ हसन साहब को नहीं मैं इनको रखे, ये तरीके साहब के बहुत ही पुराने 98 में से आए हुए तरीके साहब अवलिन में से, मैं इनको ऐसों को मैं बानियान में से कहता हूँ। तो बाकियों के बारे में ये एक दूसरे के बारे में सारे बंदे इस वक्त यही कह रहे हैं कि ये सेलेक्शन का एजेंट है, ये एजेंट है। अगर मैं ये कहूँगा ये सारे सच बोल रहे हैं तो इसमें मजायका नहीं होगा, क्योंकि हकीकत यह है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट होना ज़रा सख्त सा लफ्ज़ है, ये एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कंफर्टेबल है। फिर ये भी मैं सिद्ध के दिल से इसमें मेरे ईमान है कि जो बंदे सो तरीके साहब के 91 या 92 इलेक्ट हुए हैं उनमें से 8-10 बंदे उन्होंने वापस ले लिए एस्टेब्लिशमेंट ने, बाकी जो 80-82 सुनी तहत तहरीक में गए हैं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि ये सारे टिकट एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से दिए हैं। 15-20 बंदे ऐसे होंगे या 30 बंदे होंगे, और उसमें 5-10 और शुरू कर ले जो पब्लिक का प्रेशर होगा जहाँ जहाँ, और उनके घर वालों का प्रेशर होगा, तो रहे अंदर से सारे स्टेशन के साथ हैं। कई दफ़ा स्टेशन को अपनी मुखालिफ सफ़ों में भी अपने बंदे जो हैं बड़े अहम बंदे चाहिए होते हैं, तो उन्हें वहाँ पर दाखिल कराए हुए हैं। अब इस हालात के साथ, जबकि मैंने पहले कह दिया कि तहरीक इंसाफ जो हैं उन्होंने इलेक्शन के बाद हर वो काम किया है जो स्टेशन के जो चेकलिस्ट है या उनकी तकवात उसके मुताबिक ही है। अच्छा, मैं पहले ये बताऊं कि ये गौरअली खान के वक्त क्या हुआ होगा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब, जैसे मैंने पहले अपने व्लॉग में कहा है कि इमरान खान साहब ने गौरअली खान को जब चेयरमैन बनाया होगा तो एस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ से उन्होंने एक कम्फर्ट लेवल दिया होगा कि मुझे भले कर शान भी दे दिया जाए और तहरीक साहब को इलेक्शन भी लड़ने दिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है वो चीज़ों को समेट लेते हैं और उसके बाद बाकी जो है वो फिर कहते हैं कि आप हालात वहीं के वहीं, इनका परनाला वहीं का वहीं रहता है। अब गौरअली खान साहब ने जब बल्ला भी खो गया, पार्टी भी ना मिली, इमरान खान साहब यकीन सोचा होगा कि अब क्या किया जाए। तो चाहे वो ये कहते हैं ना कि बिटवीन डेवल एंड डीप सी, कि उन्होंने देखा कि आप क्योंकि रसाई उन तक जिन लोगों की है, मैं पहले दिन से आपको याद होगा इमरान खान साहब 5 अगस्त 2023 को अरेस्ट हुए, तो मैंने कहा जी इमरान खान साहब तक रसाई सिवाय फैमिली के जितने लोग जा रहे हैं इनमें से आप 1 या 2 को छोड़ के सारे एस्टेब्लिशमेंट के जिनके साथ वो कंफर्टेबल है वही जा पा रहे हैं, और उसी वजूहत कुछ भी हो सकती है।
मैं फिर ये कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान के डाउट होते हैं, नहीं, ये होता है कि ये आप देख लें कि ये जो इलेक्शन होते हैं बार काउंसिल्स के, सुप्रीम कोर्ट बार के, ये वो, ये कितने तकड़े होते हैं इनके लीडर और क्या क्या नारे लगाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं। हकीकत यह है कि सारे को पता है कि आज तक जितने इनके इलेक्ट हो जाते हैं उतने बंदे। और ये बात मुझे जो हमारे जो बड़ी जीत किस्म के लोग हैं, हामिद खान साहब और आबिद सागी साहब और इस तरह के बड़े बड़े लोग हैं, ये इनको इदराक है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो है कंप्लाइंट हो जाते हैं, उनके साथ इनके तलाकात बढ़ जाते हैं। अब इससे पहले कि मैं कहीं बहक जाऊँ बातों में की और, तो मैं मौजूद की तरफ दोबारा आता हूँ कि गौर खान इसका मतलब है नाकाम रहे तो इमरान खान साहब ने, उसके बाद अब अली जफर साहब को आए कर दिया जो 3 मार्च को सामने ले आएंगे। लेकिन इससे तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी जो लड़ाई और खलकशार है, जो कि पहले दिन से मुंतशिरुल मिजाज पार्टी थी, जिसके अंदर ऐसा लगता है इसके अंदर इंतशार भरा हुआ है, इमरान खान साहब के कई दफ़ा खुद बेशुमार दफ़ा परेशान हो जाते हैं, उनके क्लूलेस होते थे कि उनका ये फील्ड ही नहीं था, अव्वल तो सियासत उनका फील्ड नहीं था। अब जाहिर है कि एक लोगों ने उनके अंदर एक ऐसा बंदा देखा कि उनका ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान की जब लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की पब्लिक हमेशा सियासतदान के साथ खड़ी होती है। ये हमारी 60-70 साल तारीख में, चाहे यू खान का माशला हो, चाहे जौलक साहब का हो, चाहे जनरल मुशर्रफ साहब का हो, चाहे जनरल बाजवा साहब का निज़ाम माशलाई निज़ाम हो, या आज के हालात हो, जब भी होगा हमारे लोग अपनी ज़ाती कुर्बानी दे के हर तरह की उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात उनकी एक तरफ रह जाती हैं। इसे कतः नज़र कि अब ये पब्लिक जो है उनकी एक अपनी एक्सप्रेशन होती हैं। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक ऐसी जगह पर खड़ी है कि वो इस पर निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जिस जो है सहूलत के साथ मुस्लिम लीग को और पीपल्स पार्टी को एक स्टिक के साथ 48 घंटे के अंदर तय करने का टाइम मिला, उन्होंने तय कर दिया। उसी के तहत ये ऑर्डर भी था कि तहरीक-ए-इंसाफ अपना बंदे नॉमिनेट करें। आपने देखा होगा जैसे ये इनका इताज अगले दिन कौन नॉमिनेट हो गए, उमर अयूब साहब असेंबली में वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे, यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन। असम इकबाल पंजाब असेंबली में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, यानी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन। मोहम्मद अली कंडापुर केपी में वज़ीर आला होंगे, यानी कि वहाँ का निज़ाम जो है वो भी एक डगर पर चल पड़े। किसी जगह आपने सुनो किसी जगह ने एहतजाज किया हो? तहरीक-ए-इंसाफ की एक और बदकिस्मती है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो कि अपने आप को लोगों की आंखों में धूल झोंक रखी है, यह हकीकत है या नहीं है, या धोखा है या नहीं धोखा, कि बड़ी बड़ी मकबूल थी और लोगों के जमे गफीर आके गफीर है, लेकिन मैंने उसको कभी प्रैक्टिकली उसको ट्रांसलेट होते कहीं नहीं देखा। मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूँ, 25 मई 2022 इमरान खान ने 30 लाख बंदा लाना था। मैंने कल भी कहा 3,000 बंदे नहीं आए। मैंने कहा इन्होंने हल्फ लिया लोगों पे, कुरान पे हल्फ लिया कि तुम लोग 26 नवंबर को मेरे साथ लॉन्ग मार्च करोगे, रावलपिंडी आओगे। कितने जलसे किए, करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए जलसों पे, लॉन्ग मार्चेस के ऊपर। फिर उसके बाद आप जब भी देखें, अभी ये इलेक्शन हारने के बाद कितना बताया गया कि दुनिया टूट के वोट दे रही थी। जब दुनिया टूट के वोट देती है तो मैं 1977 में देख चुका हूँ, टूट के बाहर निकल आती है। 7 मार्च 1977 को भुट्टो साहब ने धांधली करके इलेक्शन जीता, 10 मार्च को सूबाई असेंबली का इलेक्शन उसका बायकॉट करके, 14 मार्च को पाकिस्तान के तूल वर्ज में इत्तेजाज की काल दी, उस वक्त पीएन ने शायद उसी दी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस था, और 14 मार्च को चलने वाली तहरीक जो है उसने भुट्टो साहब को गुट्ठे टिकवा दिए। भुट्टो साहब को अप्रैल के अंदर माशरा लगाना पड़ा, फिर हाई कोर्ट ने वो उड़ा दिया, लंबी दास्तान है। यकीन आने के लाहौर की सड़कें जो थी वो लोगों के जमे गफीर को संभाल नहीं सकती थी। ये होता है इलेक्शन की धांधली के बाद। अब इसमें दो सूरतें हैं, या तो तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक चलाने नहीं चलाने चाहती तो जिस तरीके से 2018 में नवाज शरीफ साहब वगैरह नहीं चलाई तो कॉल भी नहीं दी, तो ये जो कॉल दी जुम्मे के दिन और पिछले हफ्ते के दिन एहतजाज की जो सही हासिल था नाकारा चला गया,
या इससे पहले मैंने तो कितनी मिसालें दूं आपको, जेल भरो, तहरीक करो, कई ये बंदे जो है थे, इससे मैं कैसे मान लूं कि आप लोगों के साथ पब्लिक है और पब्लिक का जमे कफीर है, और पब्लिक किधर चली गई है जिसने आपको लाखों वोट दिए हैं? वो एहतजाज के लिए क्यों नहीं निकली? पीएनए की तहरीक की तरह क्यों नहीं उन्होंने पूरे निज़ाम को हिला के रख दिया? इसकी वजह सिर्फ ये है, मेरी बात मान लें कि ये प्याली का तूफान है, प्याली कह लें इसको, इसको एक्स कह लें, इसको ट्विटर कह लें, इसको सोशल मीडिया कह लें, इसको यूट्यूब कह लें, इसको तूफान है ये, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और मायूसी कुछ नहीं देगा। और एक कल इमरान खान साहब के जेल से बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हीरो बनाने के लिए मुझे जीरो कर दिया गया, जो कि गलत है। मेरा ख्याल में, मैं हमेशा कहता हूँ इमरान खान साहब को तनहा उन्होंने कर दिया गया है। जो तहरीक इंसाफ, जो सुनीता तहरीक, जो कोई नज़र आ रहा है, ये सारा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में ज़्यादा है, इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं है। ये एक बड़ी तकलीफ देह सूरत हाल है। बाकी अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो सियासी इस्तेकाम है, जो गैर यकीनी कैफियत है, जिसका नवाज शहबाज शरीफ की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अपने तौर पे एक बहुत बड़ा जो है फ्रीट जो है वो पाकिस्तान को हिला के रख सकता है। अल्लाह ताला हमें इस अदम इस्तेकाम से निकाल के हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क को एक सियासी इस्तेकाम दे, ताकि हम गैर यकीनी की सूरत से निकल सकें। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग़।